आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सोमवार को लखनऊ में रोड शो करके अपने ताकत का एहसास कराया है। इस रोड शो के दौरान जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था, वहीं इस 15 किलोमीटर के लंबे रोड शो के दौरान भारी भीड़ भी देखने को मिली। इसी रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति सामने रखी तो सियासी खेमे में भूचाल आ गया। राहुल गांधी के राजनीतिक दाव चलते ही उत्तर प्रदेश के गठबंधन खेमे में अफरा तफरी मच गई। इसी के बाद से आनन फानन में सामने आकर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में बसपा तो है ही, वहीं आप सबको जानकारी होगी कि कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल है। आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन में अगर कांग्रेस पार्टी साथ आ जाती है तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है। पिछले महीने ही मूड ऑफ द नेशन ने अपने सर्वे में साफ किया था कि यदि इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ अगर कांग्रेस भी शामिल होकर एक साथ चुनाव में उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से महज 5 सीटें ही मिलने की उम्मीद जताई गई है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह गठबंधन बीएसपी से तो है ही, वहीं आपकी जानकारी होगी कि कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल है। इस गठबंधन में आरएलडी को भी 3 सीटें दी गई हैं, वह भी इस गठबंधन में शामिल है। और तो और निषाद पार्टी को भी हम इस गठबंधन के साथ उसे चुनाव में उतारेंगे, अखिलेश ने कहा, क्योंकि निषाद पार्टी पहले ही हमारे साथ चुनाव लड़ चुकी है। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से ही कांग्रेस को बल मिला है, वहीं कांग्रेस पार्टी में नेता और कार्यकर्ताओं में दोगुना जोश हो गया है। जिस समय प्रियंका गांधी लखनऊ में रोड शो कर रही थी उस समय अखिलेश यादव फिरोजाबाद में थे और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बसपा सपा गठबंधन में कांग्रेस आरएलडी और निषाद पार्टी भी शामिल है और हम सब मिलकर इस लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।